नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के साथ से और आप लोग जितना अच्छे से इस चैनल को आगे लेके जा रहे हैं, मैं नए नए वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप लोग इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हो ना कि बहुत ही मज़ा आ जाता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, देख कर कि आप लोग क्रिस्टल्स के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं और क्रिस्टल्स आपको बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो आज जैसे कि मैंने वादा किया था, फिर से एक नए क्रिस्टल के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ। वो है फ्लोराइट। फ्लोराइट जो कि पर्पल कलर में, यानी कि वॉयलेट, ग्रीन, ट्रांसपेरेंट और येलो भी होता है, ब्लू भी होता है। इन सब के देखिए कलर्स में लिए हुए, इसको बोलते हैं फ्लोराइट ब्रेसलेट है। ये सभी कलर्स इसमें मौजूद हैं। हर कलर का अपना एक बेनिफिट होता है। जैसे ब्लू कलर की बात करें तो वो कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। ब्लू कलर हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता है। अगर हम पर्पल की बात करें तो पर्पल हमारे सहस्रार चक्र पे काम करता है, ऑरा को क्लेंस करता है, ऑरा को क्लीन करता है। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ये हमें स्टेबल रखता है और हमारे ऑरा को क्लेंस करता है। ग्रीन की बात करें तो जो ग्रीन है वो ग्राउंडिंग का काम करता है, क्रिएटिविटी का काम करता है। और अगर हम येलो की बात करें तो वो भी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करता है। इस तरीके से इस क्रिस्टल ब्रेसलेट से आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं इस फ्लोराइड से। खास तौर पे ये जो काम करता है ना, हर चीज़ की क्लियर करने का काम करता है, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपका माइंड हो, आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है ना उसको ये बढ़ा देता है, ओपन कर देता है, जिसे कहते हैं कि हर तरीके का क्लटर हटा के आपकी साइकिक एबिलिटी जिसे हम कहते हैं ना उसको बढ़ा देता है। ये जो स्टोन है बहुत ही आमतौर पर, जैसे मैंने कलर्स इसके आपको बताई दिए, ये आमतौर पर पाया जाता है US, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे, चाइना, पेरू, मेक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ से ये हमें मिलता है। बहुत ही हाईली प्रोटेक्टिव स्टोन होता है, फिजिकल साइकिक दोनों लेवल पे। ये स्टोन जो है, जैसे मैंने बताया कि ऑरा को क्लेंस करता है, स्टेबलाइज करता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है ये कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना उनको ब्लॉक करने में। ये जो है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो होती है ज़मीन के अंदर, आपने सुना होगा जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, जो करंट दौड़ता है उसकी वजह से क्या होता है, कई बार कुछ बिल्डिंग्स ऐसी जगह पे बनी हुई होती हैं कि जहाँ अर्थ में नीचे पानी होता है और उसके साथ साथ करंट भी होता है, उसकी वजह से एक जियोपैथिक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है जो कि बीमारियाँ यानी कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बनती है। घर में जियोपैथिक स्ट्रेस को देखने के लिए हम एल रॉड का यूज़ करते हैं, उससे हमें पता चलता है घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं है, या कहीं पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस होती तो बच्चे बेड वेटिंग का प्रॉब्लम भी बच्चों को होता है और भी कुछ तरीके के इश्यूज होते हैं, बीमारियाँ भी घर में रहती हैं। ये जियोपैथिक स्ट्रेस को भी ब्लॉक करता है। जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को बताने के लिए कि क्या होती है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये जो क्रिस्टल है ना, ये उसको भी ब्लॉक करता है। ये क्रिस्टल जो होता है, ये हमारी जितनी भी तरह की नेगेटिविटी हमारी बॉडी में होती है ना, उन सबको हटाने का काम करता है। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हमें जोड़ता है। मैंने क्या बोला, जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी होता ना कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर दे, सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर दे, कनेक्शन हो जाए, वो चीज़ ये करता है। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको हेल्प करता है कि आपको जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो, उसके लिए क्रिस्टल बहुत काम आता है। तो जो लोग भी मेडिटेशन से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए तो कमाल का क्रिस्टल है। मेंटल क्लैरिटी देता है, फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कुछ तरह की ऐसे फिजिकल एलिमेंट्स भी होते हैं जिसपे काम करता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल एनर्जीज को आपके अंदर कहते हैं ना ब्लॉक करने का काम करता है। जैसे जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी आप किसी तरह की चैंटिंग करते हैं, किसी तरह का एनर्जाइज अपने आप को जिन जिन तरीकों से करते हैं, उसको वहीं पर ब्लॉक करने का काम करता है। ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, आपको अवेयर करता है हायर स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ने के लिए, और आपको जैसे मैंने बताया आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तो आपकी हेल्प करता ही है। फोकस बढ़ाता है, ये आपको यूनिवर्स, आपके माइंड को ना यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जोड़ता है। ये आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करता है, और जितना भी कुछ कियोस आपके लाइफ में हो उस कियोस को हटा के सारी चीज़ों को रीअरेंज करने का काम करता है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो। ये जो क्रिस्टल होता है, ये
हर तरीके के इन्फेक्शंस को हटाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। कोई भी आपकी लाइफ में अगर कोई फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है, फिक्स्ड बिहेवियर है किसी चीज़ को लेके जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये उसको ब्रेक करने का काम करता है। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कोऑर्डिनेट करता है। ये एक नैरो माइंडेडनेस होती है ना, एक बंद सोच होती है, एक क्या बोलेंगे कि एक लिमिट तक ही जब आप सोच पाते हैं उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म करके आपकी सोच को एक खुला आसमान देता है। हर तरीके के इल्यूजन्स को डिसॉल्व करता है और सच्चाई को सामने लेकर आता है। ये आपका, जैसे मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। इस वजह से ये क्रिस्टल ना स्टूडेंट्स के लिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन लोगों को भी नॉलेज गेन करना है, कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, क्लियरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत है, उनके लिए भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये होता है ना, एब्जॉर्व करता है नई नई इन्फॉर्मेशन को आपके लिए। मतलब आपको ना, जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होगे। जब आप इस क्रिस्टल को यूज़ करोगे तो आप और नई नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने आप को ओपन कर लोगे। ये फिजिकल हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट करता है, हीलिंग में। कैसे? टीथ के लिए, सेल्स के लिए, बोन्स के लिए, रिपेयरिंग के लिए, डीएनए के डैमेज होने से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों में ये आपको हेल्प करता है। इन्फेक्शंस और डिसऑर्डर्स को दूर करता है। मैंने जैसे बोला, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्टोन अगेंस्ट एनी वायरस, जो भी कोई वायरस हो उनसे लड़ता है। स्किन को रीजनरेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपको पता है, अल्सर्स और वाउंड्स, उनको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिससे सब लोग परेशान होते हैं आजकल आफ्टर कोरोना, जो जल्दी जल्दी कोल्ड फ्लू सबको हो रहा है ना, साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो स्किन से रिलेटेड भी आ गया, साइनस से रिलेटेड भी आ गया, सेल्स को रिपेयर करने का काम करेगा। तो आपका सेल से तो आपकी पूरी बॉडी बनी है, पूरी बॉडी का रिपेयर करने का काम करता है, इसमें आपकी हेल्प करता है। ये इतना अच्छा क्रिस्टल है, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप लोग इसे यूज़ करके देखें कि आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और मुझसे शेयर भी करें। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इसको रही क्लेंस करने की बात, तो क्लेंस इसको जनरल जैसे हम करते हैं, नॉर्मल वाटर से आप इसे वॉश कीजिए। फुल मून में आप इसे वॉश कर रख सकते हैं। आप इसे सेलेनाइट प्लेट पर रख सकते हैं, धूप में रखना इसको अवॉइड कीजिएगा, और सेज से इसको चार्ज कर सकते हैं। इन सारी टेक्निक से, मंत्रों से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करें, तो ब्रेसलेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, आप कोई नेक पीस पहनना चाहें वो किसी भी फॉर्म में, या कोई स्टोन के फॉर्म में आप इसे रखना चाहते हैं अपने पास में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो ऑफिस की टेबल हो, बच्चों की जो स्टडी टेबल हो, वहाँ पर रख सकते हैं, बच्चों को पहना सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप फ्लोराइट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग क्रिस्टल है ये। मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रही थी, पर हो नहीं पा रहा था। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके क्या व्यूज़ हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।